अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे छोला पुलाव। सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, उसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। करेंगे तेज पर हम इसमें ऐड करेंगे दालचीनी। फिर हम इसमें ऐड करेंगे बड़ी इलायची। फिर इसमें हम ऐड करेंगे हाफ चम्मच जीरा। फिर इसमें हम ऐड करेंगे एक चम्मच काली मिर्च। हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, कटे हुए प्याज। हम इन्हें मिक्स कर लेंगे, इन्हें थोड़ी देर ब्राउन होने देंगे। ब्राउन होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर मिर्चों का पेस्ट। थोड़ी देर पका लेंगे। पकाने के बाद इसमें ऐड करेंगे छोला पुलाव मसाला। इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च। इसमें ऐड करेंगे नमक। इसे मिक्स कर लेंगे। के बाद फिर इसमें हम ऐड करेंगे उबले हुए छोले, इन्हें मिक्स कर लेंगे। छोलों को थोड़ी देर पकने देंगे। पकने के बाद इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी को पकने के बाद
इसमें ऐड करेंगे चावल। चावलों को अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। चावलों को उबाल आने तक पकने देना है। पकने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। हम इसमें ऐड करेंगे बिरयानी वाला कलर। इसमें ऐड करेंगे धनिया। इसमें ऐड करेंगे पुदीना। इसमें ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर। इसमें ऐड करना है कटा हुआ नींबू। हम इसे ढक्कन से कवर कर लेंगे 15 मिनट के लिए। हल्की आंच कर लेंगे। अब हमारा पुलाव तैयार हो गया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर हम इसे डिश आउट कर लेंगे।